आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो हम अभी तक हमने देखा है कि मशीन जो है काफ़ी काम कर लेती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर इन्हें कई बार डिफाइन किया जाता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस से, मतलब कि वो एक या दो कुछ एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन का हो सकता है या कुछ एक जनरेट करने का हो सकता है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो बोला जा रहा है वो ये चीज़ है कि वो मशीन जैसा ह्यूमन करते हैं जितना भी चीज़ें कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम कुछ चीज़ें जनरेट एंड क्रिएट कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, हमारे अंदर थोड़ी एम्पैथी एंड कंपैशन के साथ डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब एक हो जाएगी तो वो जो मशीन होगी दैट इज़ कॉल्ड AGI, एंड वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के लिए होगी। इस पे काफ़ी डिबेट है कि ये कब ये मशीन होगी, एंड विद दिस मशीन कहीं ये मशीन हुई तो उसके बाद ये बोला जाता है कि वी मे सी एरा ऑफ सिंगुलरिटी, क्योंकि एक बार कोई एक मशीन जो है बन गई जो कि ह्यूमन से ज़्यादा कैपेबल है। एंड व्हेन यू से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब वो सभी काम जो ह्यूमन कर सकते हैं वो सब काम वो मशीन कर सकती है या उससे ज़्यादा भी कर सकती है, और कहीं वो मशीन ह्यूमन से ज़्यादा काम कर सकती है और वो 24/7 काम कर रही है और उस पे और भी चिप्स एडवांस होते जा रहे हैं, तो वो शायद ह्यूमन के ऊपर ही रूल करना शुरू कर देगी। तो दैट इज़ द थॉट प्रोसेस कि वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कैन क्रिएट ट्रबल फॉर द ह्यूमैनिटी। नाउ व्हेन इट विल हैपन, देर आर वेरियस ईयर्स हैव बीन डिफाइंड। कुछ लोगों के हिसाब से ये शायद अगले 5-6 साल में हो सकता है, एक प्रोडिक्शन के आगत है 2045 तक हो सकता है जब सिंगुलरिटी अचीव हो जाएगी, इन द सेंस जो मशीन काम कर रही है और उनकी इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस कर जाएगी, और उसके बाद तो फिर वो मशीन अपने आप को रेप्लिकेट करती जाएगी और ह्यूमन से मल्टी फोल्ड में उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू समराइज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, की जब जो AI मशीन है वो सब काम जो कि एक ह्यूमन कर सकता है उन सब कामों को कर सकती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जनरल। एंड एज आई सेड, टू समराइज इट विल एबल टू डू द कंप्यूटेशन वर्क विच एनी हाउ इट कैन डू मच फास्टर देन द ह्यूमन, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन के काम है वो मशीन ह्यूमन से बहुत ही अच्छा कर सकती है। अब हमने जनरेटिव AI का भी काम देखा है, तो दैट वे वो बहुत चीज़ें जनरेट कर लेती है, मतलब पोएम हो गई, स्टोरी हो गई, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, पेंटिंग हो बनाना हो गया, ये सब काम कर सकती है। उसके बाद अभी जो है कि वो साउंड रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब काम कहीं वो मशीन कर पाएगी। एंड इसी टाइप से एक स्कोर होता है, एक टेस्ट लिया जाता है विच जिसमें इन जो कुछ भी है हमारे जो अभी AI मॉडल्स आए हैं और दे हैव टू पास दैट टेस्ट, और वो स्कोर देखा जाता है। उसमें वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट है, इट मीन दैट सब्जेक्ट हैज लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ्स भी है, लॉ भी है, कुछ कुछ और भी सब्जेक्ट हैं। तो ये देखा जा रहा है कि क्यों एक ह्यूमन को वो नॉर्मली जो है वो इन सब चीज़ों में अच्छा स्कोर करता है, तो ये मशीन अभी कितना स्कोर कर रही हैं, और ये मशीन कहीं उस टेस्ट में 100 स्कोर कर लेती हैं, कोई भी ऐसी एक AI मशीन बनाता है कहीं उसमें वो 100 स्कोर कर लेती है, तो इसका मतलब है कि शायद वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट पास कर चुकी है। ना ऑफ कोर्स इस पे जैसे ने भी बोला, इस पे काफ़ी डिबेट है कि ये कब होगा, बट सम मोर पॉइंट्स वी हैव टू कंसिडर इट कि एंड हियर आई पुट माई व्यू। तो जो मैंने अपने कई वीडियोज में बोला है कि AI के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है दे शुड गेट द डेटा, एंड अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दे हैव टू गेट द लेबल डेटा, उससे वो सुपरवाइज लर्निंग उनकी बढ़ती रहती है। अनसुपरवाइज लर्निंग विच इज़ द अनलेबल्ड डेटा, वो अभी काफ़ी कम है, बट उसके लिए भी एक दूसरी टेक्निक आई है विच इज़ सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे मशीन खुद से ही क्लासीफाई करती है अनलेबल्ड डेटा को और उससे सीखती है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कंप्यूटिंग। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और शायद आप लोगों में से कुछ ही लोगों ने सुना होगा, देर इज़ अ कंपनी कॉल्ड ASML विच स्टैंड फॉर एडवांस सेमी कंडक्टर मटेरियल लिथियोग्राफी।
ये ASML कंपनी जो है ये नीदरलैंड में है, इट इज़ अ डच कंपनी। ये कभी 1984 में शुरू हुई थी, ए जॉइंट वेंटर बिटवीन ASMI एंड फिलिप्स। बाद में ये इंडिपेंडेंट कंपनी हो गई, और ये जो नीदरलैंड के स्टॉक एक्सचेंज पे है और न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पे, ये US में ये लिस्टेड है। नाउ द पॉइंट इज कि अभी AI करने के लिए हमें चिप्स की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही कम कंपनीज इन द वर्ल्ड बनाती हैं। जैसे ताइवान की कंपनी है, TSMC बनाती है, इंटेल बनाती है, इसी टाइप से सैमसंग और कुछ कंपनीज और बनाती हैं। इन चिप्स को बनाने के लिए दे रिक्वायर्ड अ मशीन विच इज़ यूजिंग ए टेक्नोलॉजी एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथियोग्राफी। ये मशीन जो है कुछ $200 मिलियन से $300 मिलियन के बीच में होती है। इसका साइज आप सोच सकते हैं कि एक स्कूल बस जितना होता है, क्योंकि जो चिप होती है, जो वेफर चिन थिन चिप्स जो आपके मोबाइल में होती है या जो यूज़ की जाती है AI के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ही छोटे से प्लेस में एक जो है वो पैटर्न बना सके वैसा चिप में। तो कहीं एक एग्जांपल है, तो हमारा ह्यूमन हेयर जो होता है वो कुछ 9000 नैनोमीटर्स का होता है, और ये जो है EUV एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथियोग्राफी जो वो बनाती है वो कुछ 13 नैनोमीटर्स का बनाती है, 13। तो हमारा ह्यूमन हेयर का थिकनेस इज 9000 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, और ये जो है वो 10 to 15 नैनोमीटर्स का, इतना उसका प्रिसीशन इतना ठीक होता है, तभी वो बहुत ही छोटे जो चिप्स होते हैं उन पे वो पैटर्न बना पाती है। और ये चिप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं टू डू द कंप्यूटिंग। और ASML इज़ द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड, या मैं फिर से इसे बोलता हूँ, ASML अभी दुनिया में केवल एक ही कंपनी है जो ये EUV में एक्सपर्ट हैं, और इनके पास कुछ 33,000 पेटेंट्स हैं। तो दैट्स हाउ लाइक यू नो फ्रॉम इनकी जर्नी कुछ 1984 में शुरू हुई थी, एंड नाउ दिस कंपनी हैज़ रीच दिस पोजिशन। इन 33 मोर देन 33,000 पेटेंट इनके पास हैं, एंड दे आर द ओनली प्रोवाइडर फॉर दिस EUV टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ होती है। बाकी जो ये मशीन होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो मैंने बोला ये मशीन एक स्कूल बस के साइज़ की होती है, 200 से 300 मिलियन डॉलर की होती है। तो नॉट एवरीबडी कैन मेक दैट टाइप ऑफ मशीन। और जैसे उन्होंने 2022 में और 2023 में कुछ 140 मशीन्स ऐसी बेची थी, और ये मशीन यूज़ की जाती हैं बाई TSMC विच इज़ ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी, या इंटेल, या और भी जो बहुत ही सिलेक्टेड कंपनी जो कि चिप्स बनाती हैं, जो कि फिर अगेन एनवीडिया या ये कंपनीज यूज़ करती हैं, और फाइनली वो जो हम GPU सुना करते हैं जो कि AI के लिए यूज़ होता है, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। तो नाउ इफ़ वी ब्रेक डाउन, जो एनवीडिया बनाता है वो हम सोच सकते हैं TSMC से लेता होगा, और जो TSMC को वो चिप बनाने के लिए जो मशीन चाहिए वो ASML बनाता है, और दैट इज़ द ओनली कंपनी विच मेक्स दिस मशीन EUV मशीन्स विच आर वेरी कॉस्टली, एंड दे हैव बीन प्रोटेक्टेड बाई द वी कैन से दैट बाई द 33,000 पेटेंट। तो नॉट एवरीबडी कैन स्टार्ट, देयर इज ए बिग एंट्री बैरियर, एंड इट हैज़ टेकन दैट ऑल्सो मोर देन 20-30 ईयर्स। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक ऑफ AGI, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमें डेटा भी चाहिए और एडवांस कंप्यूटिंग चिप भी चाहिए, तो शायद ये जो चिप बनाने का है वो अभी ये एक बॉटल नेक है, बिकॉज देर इज सॉर्ट ऑफ वन कंपनी विच इज मेकिंग द चिप और विच इज होल्डिंग द मेन थिंग टू क्रिएट द चिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो डेटा इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटिंग पावर भी इम्पॉर्टेंट है, और जैसे मैंने बोला इन दोनों के लिए ही अभी दो देर इज ए सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम हैज कम अप, बट ये दोनों चीज़ें शायद बॉटल नेक हो सकती हैं। तो
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ASML के मैं बारे में मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर है फॉर मेकिंग दोज क्रिटिकल चिप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर AI एंड GenAI और जितना भी हमारा काम है NVIDIA, और इन सब के पीछे की आप पावर बोल सकते हैं, एक तरह से कहीं लिंक होती हैं ASML के साथ, जो कि एक डच कंपनी है। तो आपको कहीं ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस और टॉपिक पे वीडियो देखना अच्छा लगेगा। मैं अपने चैनल पे टेक्नोलॉजी और फिनटेक से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं किस और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। आपको इन सब के बारे में और पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट www.rakhtinsingh.com पे जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।